नमस्कार दोस्तों, रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप सरसों के दाने से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप भी प्रेगनेंसी में हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की, तो इसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप बस अनुमान लगा सकते हैं, 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी जानकारी की वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत में लिंग जांच करवाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है, और लिंग जांच करवाते अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। इसलिए आप लिंग जाँच न करवाएँ, आप बस अनुमान लगाएँ। यह वीडियो सिर्फ अनुमान लगाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहती है कि उनके गर्भ में पलने वाला शिशु या उनके घर आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या लड़की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आप सरसों के दाने से कैसे पता कर सकते हैं। यह सारे नुस्खे पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, यह हालांकि गलत भी नहीं होते हैं। तो आपको मैं बता दूँ आप कैसे पता करें। तो आप बेड पर पीठ के बल लेट जाएं या सो जाएं आराम से, और सोने के बाद आप 30 सेकेंड तक अपने सांस को रोक कर रखें। याद रखें कि अगर आपको सांस रोकने में किसी भी प्रकार की तकलीफ महसूस हो तो आप सांस को बिल्कुल भी ना रोकें। अगर आप आराम से 30 सेकेंड तक सांस रोक लेती है तभी रोकें। आपको आगे करना होगा कि आप अपने दाएं और बाएं तरफ सरसों का दाना रख दें। सरसों को दाने के रखने के बाद आप 30 सेकेंड तक अपनी सांस को रोक लें। जैसे ही आपका 30 सेकेंड पूरा होता है, अगर आपके बेड पर जो सरसों का दाना है वो अगर नीचे की तरफ गिर जाता है तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आपको गर्भ में पलने वाला शिशु लड़की होगी। वहीं अगर आपके सरसों का दाना बेड पर ही रहता है, एक भी दाना नीचे नहीं गिरता है, तो इससे आप अनुमान लगाएं कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु लड़का होगा। तो यही सब थे लड़का या लड़की होने के लक्षण। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।